My name is Saurabh and you are watching Born to Perform. So hello guys, welcome back to the channel. So आज हम आए हैं Virtus GT 1.5. हमारे साथ हैं मिस्टर सूर्यांश जो इस गाड़ी के ओनर हैं. हेलो गाइस. तो भैया से आज जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ. 12,126 किलोमीटर अभी ओडोमीटर पे गाड़ी चली हुई है. सो काफ़ी रनिंग है भैया की. 3 महीने में इन्होंने 12,000 किलोमीटर चला दिया गाड़ी. सो दिस इज़ द GT वेरियंट विच इज़ 1.5 लीटर एंड 150 हॉर्स पावर विच कम्स विद DQ200 गियर बॉक्स. सो आज इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे, इसकी पावर को टेस्ट करेंगे और आपको अपना द ऑनेस्ट फीडबैक देंगे. बिल्कुल. सो दिस इज़ द GT वेरियंट विच इज़ 1.5 लीटर एंड 150 हॉर्स पावर विच कम्स विद DQ200 गियर बॉक्स. और भैया हमें बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है 3 महीने में और 12,000 किलोमीटर में आपका. देखिए अभी तक पहली सर्विस तो नहीं हुई है. ओके. पर 12,000 किलोमीटर चला के मेरे को एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलती की है कोई ये गाड़ी को लेके. ओके. तो इट हैज़ बीन अ वेरी प्लेजर. बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चला के. और अभी तक मतलब एक स्टिफ सस्पेंशन को छोड़ के जो कि मतलब पास्ट में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. ओके. फॉक्सवैगन में मतलब काफी देर बाद आए हैं तो उसको छोड़ के बाकी सब इस गाड़ी में बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है. ओके. सो ये होता है जब जापानीज गाड़ियां चलाने के बाद आप जर्मन में आते हैं तो आपको इंडिकेटर एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है. अब घर में दो गाड़ियां हैं, एक कोरियन है, एक किया है और एक ये है. ओके. तो क्या होता है कि कभी अगर वो चला के इसमें बैठते हैं तो इंडिकेटर की जगह वाइपर चल रहे होते हैं. थोड़ा बहुत वो एडजस्ट करने में टाइम तो लग ही जाता है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. पहले 50 किलोमीटर तो ऐसे निकल जाते हैं जी. तो सस्पेंशन आप कह रहे हैं कि जो इसका स्टिफ है तो मेरे हिसाब से तो मेरे को कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी. कंफर्टेबल है अंटिल यू गेट अ पोर्ट होल्स. ओके. तो पोर्ट होल्स में आपको थोड़ा सस्पेंशन, मतलब गाड़ी आप आराम से चलाओ. हाँ. बट वही चीज आपको हाई स्पीड में उतना ही ज्यादा बेनिफिट देगी, उतना ही हेल्प करेगी, आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और साथ में आपको कॉन्फिडेंस आएगा गाड़ी भगाते टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. और ये चीज है एग्जैक्टली आपने जो बोला ना कि जब हम गाड़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं तो जो स्टिफ सस्पेंशन है उसी की वजह से स्टेबिलिटी हमें लगती है. बिल्कुल. और कॉन्फिडेंस उसी की वजह से आता है कि चलो 120 पे चल रही है, अब इसको 150 पे लेके जाओ. बिल्कुल बिल्कुल. जो कि हमें होंडा सिटी या वरना में नहीं मिलेगा. हाँ, वो नहीं मिलेगा. मेरे पास इससे पहले वरना ही थी. ओके. तो जब वो 120 पे जाती थी तो मन करता था 100 पे ले आए वापस उसको. वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही नहीं पाता. हो ही नहीं पाता क्योंकि गाड़ी आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडियन रोड ऐसे हैं ये ऊपर नीचे चलते रहेंगे. ऐसे लगता है अभी उड़ी अभी उड़ी. और इंस्टेंट कुछ भी आ जाए तो गाड़ी संभलेगी नहीं. हाँ. या तो खुद को भरोसा नहीं होगा, संभल जाएगी वो पता नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर भरोसा नहीं होता है. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. ओके. और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये हमें मिलेगा इसमें वायरलेस, एप्पल एंड एंड्रॉयड बोथ दोनों. और ये इन्होंने इस बार डिजाइन चेंज किया है इस इवेंट्स का काफी टाइम बाद. सो ये अभी इन्होंने स्लाइड टच स्लाइड कर दिया है इसे, तो अभी इसे ऑटो पे रखता हूँ मैं. और ये जो इसकी गियर नॉब है ये पहले पियानो फिनिश में नहीं आती थी, मतलब पसाट और जेटा में ही आती थी जो अपर क्लास थी इनकी. तो इसको भी इन्होंने पियानो ब्लैक में कवर किया है और साइड में ये लाइनिंग दी है सिल्वर की. और जो हमारा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आएगा इसमें, और उसके अलावा जो डिस्प्ले है ये GT वेरियंट में आपको रेड एक्सेंट दिखेंगे. और आएगा उसके बाद आपका लाइनर, तो लाइनर भी इसमें बेज कलर है और सनरूफ आएगा, जो कि मेरे को होंडा सिटी के कंपेरिजन थोड़ा बड़ा लगा. होंडा सिटी के कंपैरिजन तो बड़ा है जी. हम पहले यही कंफ्यूज थे कि होंडा सिटी लें या ये वाली गाड़ी लें. ओके. दोनों में ही कंफ्यूजन थी क्योंकि वी वर आउट ऑफ वरना तो ऑलरेडी थी हमारे पास जी. तो उसी को रिप्लेस करना था. बिल्कुल. तो ये हमें ज्यादा कैबिन इसका ज्यादा रूमी लगा. रूमी है. तो ये बेसिकली साइज भी जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है दोनों ही होंडा सिटी के कंपैरिजन ज्यादा है. और स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से क्या है कि गाड़ी ज्यादा बाउंस नहीं करती, तो गाड़ी नीचे से लगती नहीं. और ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छी है. ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छी है.
अपने सेगमेंट में पहले होंडा सिटी थी, अभी इन्होंने जो स्लाबिया और ये दोबारा डिजाइन की है तो इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को पुश किया है. एग्जैक्टली जी. तो अभी आप इसको देखेंगे जीटी वेरिएंट को, तो आपको एक अगर एकदम से गाड़ी निकलती है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि जेटा निकली है कि वर्टुस निकली है. इनका साइज इतना बड़ा कर दिया वैसे. सो भैया ज्यादातर इसे स्पोर्ट्स मोड पे ही चलाते हैं, तो सिटी में ये 12 के आसपास एवरेज दे रही है, और हाईवे पे भी बता रहे थे कि ये 17 की इजीली दे देती है एवरेज. और अभी 15,000 पे इसकी फर्स्ट सर्विस ऑयल चेंज जो इसका होना है. सो अभी तक तो जनरल चेकअप ही हुआ होगा बेसिकली. सो आगे कोई स्ट्रेच जाता है तो वहाँ एक बार पुल करके देखेंगे 0 to 100. सो गाड़ी के फ्रंट में आ गए हैं. सबसे पहले आपको मिलेगी जीटी की बैजिंग, और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको इंजन. सो दिस इज़ द 1.5 लीटर मोटर. सो हेयर इज़ द इनटेक. सो DQ200 गेयरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है, और BNH में ये डैम्पिंग कराई हुई है ऑलरेडी साउंड प्रूफिंग के लिए, ताकि आपका जो कैबिन एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके. और उसके बाद फ्रंट में हमें मिलेंगे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और नीचे फोग लाइट है वो येलो रहेगी, जो ऑप्शनल आप कल को LED डाल सकते हो उसमें. और उसके बाद आएंगे गाड़ी के साइड में तो रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे विद द ब्लैक अलॉयज. सो अलॉय के लिए हमें यही ऑप्शन है या कुछ और ऑप्शन भी है? यही ऑप्शन है. सो दिस इज द सिंगल ऑप्शन वी गॉट फ्रॉम कंपनी, एंड 205/55 R16 इज द टायर साइज. और यहाँ पे ए पिलर के नीचे हमें GT की बैजिंग अगेन, और यहाँ पे उसके बाद सिल्वर गार्निश, ऊपर आएगा हमारा सनरूफ, और पीछे आएगा शार्क फिन एंटीना. सो ये डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलेगी स्लाबिया और वर्टुस दोनों में. और यहाँ पे आ गया हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ ऑल्सो वायरलेस, और पियानो ब्लैक फिनिश है, और साइड में ये गन मेटल ग्रे ऑल अराउंड. और इसके साथ साथ फ्रंट में हमें एम्बिएंट लाइट मिलेगी यहाँ पे. और उसके अलावा जो GT मॉडल है इसमें आपको जितने एक्सेंट है ये आपको रेड देखने के लिए मिलेंगे. और उसके अलावा डोर्स पे आप देखोगे तो ब्लैक और बेज दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि पहले वॉक्सवैगन में नहीं आता था. सेम ही आपको लाइनर जो है ये भी बेज, और नीचे के जो प्लास्टिक्स हैं उनमें एक बेज टोन देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपको जो कैबिन फील है वो थोड़ा रूमी फील होगा, जो कि पहले नहीं होता था. पहले थोड़ा ब्लैक ही रखती थी कंपनी से, तो हमें गाड़ी थोड़ी छोटी लगती थी अंदर बैठ के. सो दिस इज़ द कैबिन फील. और इसके बाद हम जाएंगे रेयर बेंच पे. सो ये फ्रंट की सीट अभी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तो रेयर बेंच लेग रूम इज़ गुड, थाई स्पोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट. सो माई हाइट इज़ 5'10", सो आई एम क्वाइट कम्फर्टेबल. सो सनरूफ वाले मॉडल में एज कंपेरिजन टू नॉर्मल मॉडल थोड़ा जो हेडलाइनर है वो थोड़ा लो रहता है, बट स्टिल गुड. इसके अलावा LED लाइट्स मिलेंगी आपको. सो ये आर्म रेस्ट है, थोड़ी अपराइट है. यहाँ पे आपको दो ग्लास होल्डर्स मिलेंगे, और पीछे दो चार्जिंग पोर्ट हैं टाइप सी. ऑल्सो द ब्लोअर AC वेंट मिलेगा, और यहाँ पे पॉकेट है. और ये कंपनी फिटेड लेदर सीट्स हैं, लेदर सीट कवर्स. तो इसके बाद जाते हैं बूट की तरफ. सो अगेन GT की बैजिंग, क्रोम लाइनिंग, और पीछे हमें ट्रंक स्पॉयलर. सर ये स्टॉक है, तो ये एसेसरी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ये नॉर्मल मॉडल में एज एन एसेसरी आएगा. सो ये आ गया हमारा बूट, अप्रोक्सीमेटली 450 लीटर प्लस. सो ये सर ने दिवाली गिफ्ट्स रखे हुए हैं अभी तक जो गाड़ी में ही घूम रहे हैं. और सर GT वेरिएंट में क्या हमें स्पेशल मिलेगा? इंजन वो तो कोर है ही गाड़ी का. सो ये हमारा नॉर्मल व्यू है कैमरा मीटर का, और ये आ गया स्पीडोमीटर 260 लास्ट स्पीड है इस पे. और ये आ गया RPM मीटर जो स्पोर्ट्स मोड है. दैट्स ऑल. हाईवे पे आ गए हैं, शूट हमारा डन है. तो अभी लास्ट में मैंने कहा एक बार पुल करके देखते हैं गाड़ी को. अभी हैं हम 30 से पुल करेंगे, तो 30 की स्पीड है. अभी पुल करके देखते हैं एक बार गाड़ी को. ये ऑटो शिफ्ट पे है अभी,
और 100 विद इन नो टाइम. थोड़ा सा धीरे और एक बार पुल करके देखेंगे उसके बाद. और मेरे को एक बढ़िया चीज़ लगी कि आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑन द गो. अगर आप फील होता है आपको कि गाड़ी का मैंने डाउन शिफ्ट करना, तो आप कर सकते हो. ये देखो सो मैनुअल डिसएंगेज करने के लिए एक बार इसको ऐसे करना पड़ेगा और फिर ये ऑटो पे आ जाएगी. सो 0 to 100 एक बार पुल करके देखेंगे. उसके बाद घर जाके टाइमिंग नोट करेंगे. सो पुल करके देखते हैं इसे एक बार. 1, 2, 3 तो DSG में वो लैग है, उसके लिए एक बार ट्यून करना ही पड़ेगा इसे. 77, 85, 88, 92, 100 सो घर जाके टाइमिंग कैलकुलेट करके डालेंगे साथ के साथ. सो पावर तो है 150 हॉर्स पावर जो कंपनी क्लेम कर रही है, उस हिसाब से पावर इज गुड. सो गाइस टाइम हो गया है 5:30. सो शूट डन करके अभी बस फ्री हुए हैं. तो भैया को थैंक यू टाइम देने के लिए और गाड़ी के लिए. अरे नहीं नहीं कमाल की बात है जी. सो आज के दिन वर्टुस का शूट ही कर पाए हम. वैसे हमारा प्लान था कि 1 लीटर भी लेके आए, बट बिकॉज ऑफ मंथली क्लोजिंग अभी कंपनी वाले बिजी हैं, स्टाफ इज बिजी. सो वो कह रहे हैं भैया 1-2 दिन टाइम चाहिए हमें, तो एक दो दिन आप रुक जाओ. तो मैंने कहा ठीक है, इन द मेन टाइम हम 1.5 कवर करते हैं और उसके बाद हम 1 लीटर का रिव्यू करेंगे. सो विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट व्लॉग आफ्टर 1.5. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन. अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में. टिल देन गुड बाय.